Okay, Unit 5, Indian Contract Act Revision. Unit 5 talks about breach of contract. Breach ka matlab tod dena. Kiya hua vada ko na nibhana is breach of contract. Refusal to perform. Refusal to perform ka matlab hota hai breach. Main agar mera kiya hua vada contract mein tod du, या फिर रिफ्यूज करूं, मना कर दूं करने से, तो वो ब्रीच है. ये ब्रीच दो तरीके से हो सकता है. हम लोग पढ़े थे, अगर डेट ऑफ परफॉर्मेंस में जाके मैं मना करूं तो उसको बोला जाता है एक्चुअल ब्रीच. और अगर अगर मैं काफी पहले से, यानी कि डेट ऑफ ब्रीच के काफी पहले से अगर मैं खुद ही वो कर दूं, मना कर दूं, तो फिर वो है एंटीसिपेटरी ब्रीच. तो दो तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच का मतलब है ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस में जाके मना करना, ब्रीच करना, और उसका काफी पहले ब्रीच कर देना इज एंटीसिपेटरी ब्रीच. ओके, ऑलराइट सर, इफेक्ट ऑफ ब्रीच क्या होगा? इफेक्ट ऑफ ब्रीच होगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म. कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हम लोग पढ़े थे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 4 का एंड में थ्रू ब्रीच, ठीक है ना. बट उसका रेमेडीज क्या है, जो वादा जिसको नहीं मिला, जो तोड़ा, उसको क्या करना पड़ेगा भरपाई के लिए, वो रेमेडीज भी ब्रीच में हम लोग पढ़ेंगे. अच्छा सर बताइए, रेमेडीज टू ब्रीच क्या है? रेमेडीज टू ब्रीच ये है. पहला चीज, यू विल सू फॉर डैमेज. आपको किया हुआ वादा कोई अगर तोड़ता है, आप क्या बोलोगे? डैमेज दो, भरपाई दो. अगर आपको नुकसान हुआ तभी भरपाई मिलेगा, कानून देखेगा. तो डैमेजेस आर बेसिकली फाइनेंशियल मनीटरी कंपेंसेशन, मनीटरी कंपेंसेशन अवॉर्डेड बाय द कोर्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना. ये डैमेज पांच तरह का हो सकता है, हम लोग पढ़े थे ऑर्डिनरी डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज, उसके बाद स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज या एग्जेम्पलरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज, डिटेरियोरेशन बाई डिले, और प्रीफिक्स डैमेजेस. प्रीफिक्स डैमेजेस को हम लोग लिक्विडेटेड डैमेजेस भी कहते हैं, पेनल्टी भी कहते हैं, वो लेके पढ़ाई किए थे. ओके, एंड ऑर्डिनरी डैमेज मतलब सिंपल हिसाब है. आज रेट चल रहा है गुड्स का 10 रुपया पर पीस, आपको 8 रुपया पर पीस कोई बेचेगा बोला था, वो बेचा नहीं, आपको 2 रुपया पर पीस नुकसान हुआ, तो ये 2 रुपया आपका ऑर्डिनरी डैमेज है, जो डायरेक्टली अराइज कर रहा है ब्रीच के लिए आपका ट्रेड में. स्पेशल डैमेज मतलब कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अराइज होने से उसका, और ये पहले से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आप कम्युनिकेट करके रखे हो, तो वो पार्टी उसके बाद भी ब्रीच किया स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए, तो उसको देना पड़ेगा. ये एक अमाउंट है जो प्रीफिक्स जैसा ही है. विंडिक्टिव डैमेज सिर्फ 2 ही केसेस में मिल सकता है, याद है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एंड रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर. नॉमिनल डैमेज मतलब मामूली डैमेज, कोई एक्चुअली नुकसान हुआ नहीं, बट कोर्ट में आप गए तो कोर्ट आपको कुछ तो इनाम देगा, तो 10 रुपया नॉमिनल. डिटेरियरेशन कॉज बाय डीले का मतलब है कोई आपको बहुत देरी से झुला दिया, तो आपका लास्ट में जाके जो नुकसान हुआ वो है डिटेरियरेशन कॉज बाय डीले. या भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का हो सकता है. पेरिशेबल प्रोडक्ट्स मतलब जो खराब हो गया, आप बहुत दिन रख दिए, खराबी हो गया, तो इसके लिए भी डिले के लिए आपको कंपेंसेशन मिल सकता है. ओके, लास्टली प्रीफिक्स डैमेजेस दो तरह का होता है. मैं बोला प्रीफिक्स डैमेजेस दो तरह का क्या क्या होता है, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. इसके बाद अदर रेमेडीज क्या है सर? अदर रेमेडीज में देखो, अदर रेमेडीज में पहला चीज है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो. नंबर 2 है क्वांटम मीरट. क्वांटम मीरट का मतलब है प्रोपोर्शनेट. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है 5 बिल्डिंग बनाने का, उसमें से 2 बिल्डिंग बना के वो आपको मना कर दिया बाकी 3 बिल्डिंग बनाने, तो 2 बिल्डिंग में जो खर्चा हुआ है वो तो आप लेंगे ही, वो है क्वांटम मीरट, एज मच एज इज अर्नड. ओके, लास्टली हम लोग पढ़े थे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसका मतलब है अगर आप
कुछ वादा किए थे और वो वादा आप निभाए नहीं या रिफ्यूज कर दिए करने से, तो ये ब्रीच हो गया। ये ब्रीच के वजह से जो अदर पार्टी है, जो जिसको जो प्रॉमिसी है, जिसको आप प्रॉमिस किए थे, उसको कई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहे। सपोज करो सीएससी, मैं बोला सीएससी अगर बिजली देना बंद कर दिया तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जनरेटर से नहीं चलेगा सारा जीवन। तो फिर आपको यहाँ पे रिलीफ एक ही मिल सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो वादा किया था वही निभाना पड़ेगा। ठीक है, वेयर मनीटरी कंपेंसेशन इज नॉट इनफ, ओके एडिक्वेट। फिर लास्टली था इंजंक्शन। इंजंक्शन में हम लोग पढ़े थे कि इंजंक्शन इज नथिंग बट अ प्रीएम्प्टिव मूव, लीगल मूव, whereby you will stop the promisor to breach your promise. कैसे? आप कोर्ट में पहले ही मूव कर जाओगे और बोलोगे देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट में ये मना किया हुआ है, ये जो भी ऐसा चीज करेगा वो void हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है फंडा। यूनिट 4 वी विल डू रिविजन, क्विक रिविजन ऑफ यूनिट 5।